हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्यू एल एस अकेडमी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आई एम श्योर लेसन टुडे फर्स्ट टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो मोशन में तो वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो होगा इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द चेंज इनिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिमिलरली नॉट जीरो क्यों क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अच्छा अब ऐसे केसेस में हमें एक और फिजिकल क्वान्टिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा दैट विल बी एक्सेन एक्सेलरेशन कैन मेजर द चेंज इन विलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम ठीक है ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है अपॉन टाइम टेकन सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी यू टू द फाइनल वेलॉसिटी वी इन टाइम टी देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू मतलब हमारी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन टी सो दिस इज़ द फॉर्मूला दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन ये जो मोशन हो रहा है जिसमें एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो भी इस डायरेक्शन में आ रही है और हमें एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में मिल रहा है मतलब कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा अगर हमारी वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्सेलरेशन मिले तो हमारा क्या होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन ठीक है सो द एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर नाउ नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एंड अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है वो भी इक्वल अमाउंट्स में तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि क्या बोला मैंने स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है और वेलोसिटी हमारे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है जो भी हो रही है बट वो इक्वल इंटरवल में हो रही है और उसका टाइम भी अगर इक्वल लग रहा है मतलब यूनिफॉर्मिटी अगर मेनटेन्ड है तो दैट एक्सेलरेशन विल बी नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो वो इक्वल अमाउंट्स में उसे एक्सेलरेशन मिलता है ठीक है नाउ लेट्स कम टू नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है इसका मतलब कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है अगर अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेने बोलूँ तो ये हो सकता है एग्जाम्पल अ कार ट्रैवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट रोड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाई अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो अन एकवल अमाउंट्स में स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होगा नाउ लेट सी अनादर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्राम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्ड हेज़ बाइसिकल टू अटेन अ वलॉसिटी ऑफ सिक्स मीटर पर सेकेंड इन थर्टी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स में उसने ज़ीरो से सिक्स मीटर पर सेकेंड की विलोसिटी अटेन कर ली देन ही अप्लाईज ब्रेक्स

सिक्स मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा थर्टी सेकेंड्स तो द फॉर्मूला इज ए इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी अगर हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा ए इज इक्वल टू सिक्स माइनस ज़ीरो अपॉन थर्टी डैट विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की एस आई यूनिट नाउन द सेकेंड केस यू इज इक्वल टू सिक्स वी इज इक्वल टू फोर टाइम कितना लगा था फाइव पुटिंग दू फोर मीटर माइनस लग रहे हैं ठीक है ना अब एक नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं that is, graphical representation of motion. ये बहुत important topic है डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी शोन यू टाइम को हम लेते हैं एक्स एक्सिस में और डिस्टेंस को हम लेते हैं वाई एक्सिस में आप ये ग्राफ देखो ना इट इज़ ऑब्जर्वड दैट डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टाइम टेकन ठीक है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस भी बढ़ रही है तो हमारा ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा अब देखते हैं कि अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिल गया दैट इज इट इज हैविंग अ यूनिफॉर्म स्पीड तो हम उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे नाउ चूज टू पॉइंट्स ए एंड बी अब ए से एक लाइन खींचो पैरेलल टू तो एक्स एक्सिस एंड बी से एक लाइन खींचो पैरेलल टू वाई एक्सिस ये आ गया हमारा ठीक है अब अपना ए सी हो गया ए सी क्या हो गया हमारा टी टू माइनस टी वन इस टाइम ड्यूरेशन में एंड बी सी क्या हो गया एस टू माइनस एस वन ये वाले डिस्टेंस नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला इज वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी सो वी इक्वल टू एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगी हमारी स्पीड नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार इसमें क्या होता है एक्स एक्सिस में टाइम होता है एंड वाई एक्सिस में होती है वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ग्राफ की हाइट चेंज नहीं होती है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ठीक है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो नाउ हमें पता है कि वी इन टू टी डिस्प्लेसमेंट होता है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलने वाले ऑब्जेक्ट का ठीक है तो इस ग्राफ में एरिया कवर्ड द ग्राफ दैट इज़ वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अब देखो ये है एक ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाउ अगर हमें t1 वन एंड टी टाइम के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है ये जानना है तो हम क्या करेंगे ये देखते हैं t1 वन एंड टी को आप मार्क कर दो c एंड d अब उनके परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे जहां वो इंटरसेक्ट हुए हैं उन्हें मार्क कर देंगे a एंड b अब डिस्टेंस s क्या हो जाएगी अपनी एस विल बी इक्वल टू ए सी इन टू सी डी ए सी इन सी डी क्या हो जाएगा देखो फोर्टी किलोमीटर पर आर इन टू टी टू माइनस टीवन एंड दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी जो ब्लू शेडेड रीजन है वो हो जाएगा हमारा ठीक है तो आप ये समझ गए कि हमको कैसे कैसे हमारा टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी सारे के सारे कैलकुलेशंस करने हैं तो ये था इस पूरे के पूरे टॉपिक में So, to conclude this lesson, we learned about rate of change of velocity and graphical representation of motion. I hope you enjoyed today's learning. For any further information or any query you have, kindly go to the following link. Thank you.